नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि हब यूट्यूब चैनल में। तो किसान भाइयों, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2022-23 की जो पीएम किसान ई केवाईसी कराना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने अभी तक ई केवाईसी नहीं कराया है तो आपके पैसे आपके अकाउंट में नहीं आएंगे, जो 2-2 हज़ार करके 3 किस्त आती है और साल के 6 हज़ार रुपये आपके मिलते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत, ठीक है। तो इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी और मेरे YouTube चैनल पे आप लोग जाकर देखिएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित सभी जानकारियां और सभी अपडेट, एक एक चीज़ के बारे में, उस वेबसाइट के बारे में और जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं और उसका सॉल्यूशन मैंने अपने चैनल पे बनाकर आपको वीडियो के माध्यम से बता रखा है। तो जाकर वीडियो को जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ जो दिनेश त्यागी हैं, जो कि यहाँ पे CSE सेंटर के जो मेन है, ठीक है, यहाँ से इनको जो खबर मिली है कि पीएम किसान ई केवाईसी की जो खुशखबरी है, त्यागी सर का ट्वीट, ठीक है, ये CSE MD हैं दिनेश त्यागी सर, ठीक है। तो अभी हम ट्विटर हैंडल पे आपको ऑफिशियल जाकर दिखाएंगे और इन्होंने साफ साफ बताया है कि 8 लाख प्लस फार्मर, 8 लाख से ज़्यादा किसान ऐसे हैं जो कि ई केवाईसी के थ्रू, यानी कि CSE के थ्रू ई केवाईसी करा चुके हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की, ठीक है, और उनका जो सर्विस है वो एक्टिवेट हो चुका है। किसके द्वारा? स्टार्टेक और मॉर्फो डिवाइसेस, ठीक है। तो अगर आप लोग CSE सेंटर से अपना ई केवाईसी कराना चाहते हैं, आधार ई केवाईसी कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे मॉर्फो डिवाइस, जो आपका फिंगरप्रिंट लगता है, या फिर स्टार्टेक डिवाइस या फिर मंत्रा डिवाइस, तो इन सभी चीज़ों से आप लोग करा सकते हैं। ये सारे अभी अच्छे से वर्क कर रहे हैं। पीएम किसान ई केवाईसी कराना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑफिशियल और ऑथेंटिकेट जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। और पीएम किसान सम्मान निधि योजना संबंधित सभी जानकारी पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सभी जानकारी वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं और वहाँ पे आपको दिखाते हैं कि ई केवाईसी का क्या प्रॉब्लम यहाँ पे शो कर रहा है, और ट्विटर हैंडल पे भी आपको दिखाएंगे कि जो CSE के MD दिनेश त्यागी सर हैं उनका क्या कहना है। यहाँ पे 8 लाख से ज़्यादा किसानों का ई केवाईसी CSE के थ्रू हो चुका है, तो इसी के बारे में इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। सो किसान भाइयों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं ट्विटर हैंडल पर आ चुका हूँ, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे। यहाँ पे दिनेश त्यागी और इनका ये ट्विटर हैंडल अकाउंट है, ठीक है, ऑफिशियल अकाउंट है। यहाँ पे इन्होंने बताया कि 8 लाख प्लस फार्मर्स जो हैं ई केवाईसी करा चुके हैं, वो भी CSE के थ्रू, ठीक है, और किस स्टार्टेक और मॉर्फो डिवाइस के थ्रू यहाँ पे करा चुके हैं, और यहाँ पे सर्विस जो है वो एक्टिव हो चुकी है। ये 18 फरवरी 2022 की अपडेट है, जो कि आपको बताना बहुत ज़रूरी था। तो चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की, और वहाँ पे देखते हैं कि अभी ई केवाईसी का क्या सीन चल रहा है, ठीक है। सो किसान भाई, यहाँ पर हम pmkisan.gov के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं, होम पेज पे आपको इस प्रकार देखने को मिलेगा, और यहाँ पे हम नीचे के साइड में जैसे जाएंगे तो ई केवाईसी का एक टैब देखने को मिलेगा, ई केवाईसी और न्यू करके ब्लिंक करेगा, ठीक। तो इस पर क्लिक करके देखते हैं कि अभी ई केवाईसी क्या सीन चल रहा है। मोबाइल के थ्रू आप लोग कैसे कर सकते हैं, OTP के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ओपन हो चुका है। आपको आधार OTP ई केवाईसी अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल के सर्च करेंगे, ठीक है। तो जो OTP जाएगा वो OTP आपको यहाँ पर डालना रहता है, या फिर CSE सेंटर से अगर आप कराना चाहते हैं तो आप लोग बेहिचक करा सकते हैं। बायोमेट्रिक ई केवाईसी अभी यहाँ पे आपकी चल रही है और ई केवाईसी भी हो रही है। अगर आप लोग ई केवाईसी नहीं कराएंगे तो आपकी आने वाली जो 2000 पैसे हैं वो आपके अकाउंट में नहीं आने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता था कि ई केवाईसी का जो यहाँ पे सीन था, जैसे ई केवाईसी पे आप लोग क्लिक करते थे तो यहाँ पर कमिंग सून लिखा हुआ आ रहा था, ठीक है, जो कि वेबसाइट में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, इसकी वजह से कमिंग सून दिखा रहा था। अभी फ़िलहाल सारा कुछ सही हो चुका है, आधार OTP ई केवाईसी आप लोग कर सकते हैं। अगर यहाँ पर नहीं हो रहा है, OTP इनवैलिड का प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप लोग CSE सेंटर पर जाइए, या फिर सहज जन सेवा केंद्र, या फिर VLE सोसाइटी जो होता है, CSE सेंटर होता है, वहाँ पर आप लोग जाके अपना ई केवाईसी करा सकते हैं बायोमेट्रिक के थ्रू, जो कि मॉर्फो और अदर डिवाइसेज जितने हैं बायोमेट्रिक के, उनके थ्रू यहां पे हो रहा है। सो किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसका जो अपडेट है, आप लोग स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, अपना पैसा कैसे चेक कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर मैं वीडियो लेकर आने वाला हूँ। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की एक एक जानकारी आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। तो कृषि हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और घंटे को प्रेस करके रखिएगा आने वाली अपडेट पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।